ग्वालियर में कोरोना महामारी के चलते लोगों को संदेश देने के लिए पेंटिंग एसोसिएशन के कलाकारों ने कोरोना अलर्ट पेंटिंग बनाई और लोगों से अपने घरों में सुरक्षित रहने की अपील की। ग्वालियर में कोरोना महामारी की लड़ाई में अब पेंटिंग्स एसोसिएशन के कलाकार भी सामने आए हैं। पेंटिंग कलाकारों ने मुख्य मार्गों पर चित्रकारी के माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। पिछले दिनों शहर के दो कलाकारों ने बेरोजगार होने के बावजूद पुलिस प्रशासन के सहयोग से फूलबाग चौराहे पर कोरोना से लोगों को सचेत करने के लिए पेंटिंग बनाई थी। अब उसका अनुसरण करते हुए शहर के दूसरे कलाकार भी आगे आ रहे हैं। पूरे शहर को कोरोना से सतर्क करने के लिए कई जगह पेंटिंग बनाई जा रही है। पेंटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने और सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को घर में रहने की नसीहत भी दी जा रही है। सर वो तो समाज सेवा है, जनता को जागरूक करने के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें, अपना ध्यान रखें। तो हमारा जो भारतीय कलाकार संघ का पेंटरों का जो ग्रुप है वो सब समाज सेवा कर रहा है, निःशुल्क सेवा कर रहा है सब अपनी तरफ से, अपनी खुशी से। सर ये कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रहें, 1 मीटर की 2 मीटर की दूरी पर खड़े रहें, एक दूसरे के पास मास्क का उपयोग करें। ये हम समस्त पेंटर भाई जन जागृति के लिए निःशुल्क पेंटिंग का कार्य कर रहे हैं, जिनसे जनता को जागरूकता मिले। और सभी पेंटर भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये काम कर रहे हैं। ये पेंटिंग सभी शहर के प्रमुख चौराहों पर बनाना है। अभी कुछ चौराहे कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि अपना फूलबाग डीडी मॉल के पास चौराहा, इंदरगंज चौराहा और अपना जो अलकापुरी चौराहा और तमाम जो भी चौराहे हमें मिलेंगे अच्छे, वहाँ हम पेंटिंग करेंगे निःशुल्क। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।